और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज औपचारिक तौर पर चुनावी मैदान में उतर गई है। आज से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जनसंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। रोहिणी बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार है। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आज पहली बार सारण की जनता के बीच में पहुंची, जहां फूल मालाओं के साथ उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है। लालू यादव के परिवार का सारण से बहुत खास रिश्ता रहा है। रोहिणी जब सारण में रोड शो के लिए उतरी तो उस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। लगातार लोग रोहिणी पर फूलों की बारिश करते हुए कैसे नजर आए वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सारण से जो रिश्ता, जो नाता रहा है लालू यादव परिवार का, अब ऐसे में उनकी बेटी जब यहां से ताल ठोकने जा रही है और जब पहली बार वो जनता के बीच में पहुंची है, तो आप ये तस्वीर में देख लीजिए। अगर कुछ यहां पर दूर दूर तक दिखाई दे रहा है तो एक तो लोगों की भीड़ है और दूसरी तरफ फूल मालाओं से स्वागत करते हुए वो लोग जो रोहिणी आचार्य के यहां आने से बहुत खुश है। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी अपना राजनीतिक डेब्यू कर चुकी है। आज सुबह सुबह रोहिणी ने पटना में पूजा अर्चना की और इसके बाद वो सारण के लिए निकल गई, जहां आज वो जनसंपर्क करने में जुटी हुई है। दो तस्वीरों के जरिए अब आप देखिए कि कैसे कल रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार में सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी अपने परिवार के साथ। सोनपुर उसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है जहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी मैदान में उतर चुकी है। इस बार सारण लोकसभा सीट के लिए पांचवें चरण में मतदान होना है। पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई 2024 को होगी। 2014 से ही ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। देखने वाली बात यह होगी कि राजीव प्रताप रूड़ी के सामने रोहिणी आचार्य कितना अच्छा मुकाबला कर पाती है। जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए, ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरे माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका दृढ़ मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ।